गाइज, आई एम राकेश, यू वॉचिंग नर्सिंग ट्रेंड्स। गाइज, स्टाफ नर्स मॉक टेस्ट 6 लेके आ गया हूँ। ये क्वेश्चंस आपके पीजीआई, जिपमर, हिमाचल प्रदेश एसएससी, केरल पीएससी, यूपी एनएचएम, एम्स पटना, रायपुर, ऑल नर्सिंग एंड सीएचओ एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित हो रहे हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहने। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, सभी नर्सिंग के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहा बेल आइकन दबाएं, ताकि नर्सिंग ट्रेंड के अपकमिंग वीडियो को भी मिस नहीं करोगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, चोकिंग, कफिंग एंड साइनोसिस आर टिपिकल फीचर ऑफ। चोकिंग, कफिंग और साइनोसिस है, 3C है। ये किसके टिपिकल फीचर होते हैं? मेगाकोलन के नहीं होते हैं, नेफ्रोसिस के नहीं होते हैं, ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टूला के होते हैं। तीनों जो 3C है, चोकिंग, कफिंग, साइनोसिस, ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टूला के टिपिकल फीचर होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो गया। अब ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टूला होता क्या है, कितने टाइप का होता है, ये भी देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया गया है। तो ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टूला इज द एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रेकिया। इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में अगर अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाए तो उसको ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टूला कहते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, तो ये कई टाइप का होता है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप ए है क्लासिफिकेशन में। इसमें क्या होता है, इसोफेजियल अट्रेशिया विदाउट ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला। यहाँ पे फिस्टूला नहीं बनता है, केवल जो इसोफेगस है उसमें कुछ अट्रेशिया है वो बन जाता है। तो इसको इसोफेजियल अट्रेशिया विदाउट ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला टाइप ए कहेंगे। ये 8% केसेज में होता है। उसके बाद में टाइप बी आता है, जो कि 1% केसेज में होता है। और इसमें क्या होता है, इसोफेजियल अट्रेशिया, ये अट्रेशिया यहाँ पे बन जाता है विद प्रोक्सिमल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला। और जो इसोफेगस का प्रोक्सिमल पार्ट है वो ट्रेकिया के साथ फिस्टूला बना लेता है। इस सिचुएशन को कहते हैं इसोफेजियल अट्रेशिया विद प्रोक्सिमल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला 1% में होता है। उसके बाद में आता है टाइप सी, और टाइप सी में क्या होता है, यहाँ पे अट्रेशिया बना हुआ है और डिस्टल पार्ट जो होता है इसोफेगस का वो ट्रेकिया के साथ यहाँ पे फिस्टूला बना लेता है। इसोफेजियल अट्रेशिया विद डिस्टल इसोफेजियल फिस्टूला, जो कि मोस्ट कॉमन होता है और 84% केसेज में पाया जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है टाइप डी, और इसमें होता क्या है, डबल फिस्टूला बन जाता है, इसोफेजियल अट्रेशिया होता है और जो प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफेगस है वो दोनों के दोनों ट्रेकिया से अट्रेशिया बनाते हैं। इसोफेजियल अट्रेशिया विद प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला, और ये 3% केसेज में होता है। उसके बाद में आता है टाइप ई, और टाइप ई में यहाँ पे होता है अट्रेशिया नहीं बनता है, इसोफेगस है वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे ट्रेकिया के साथ फिस्टूला बन जाता है, तो ये कहलाता है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला विदाउट इसोफेजियल अट्रेशिया। ये हो गया है टाइप ई। 5 टाइप के इसोफेजियल अट्रेशिया हो गए हैं, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला है वो हो गए हैं गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेकंड, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ गया है, पूरा क्लियर आज कर देता हूँ। व्हाट इज द पॉपुलेशन कवर्ड बाय ए पीएससी इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। तो गाइज, यहाँ पे जो पीएससी होता है और प्लेन एरिया में वो 30,000 पॉपुलेशन पे सिचुएटेड होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि एक जो सब सेंटर होता है अगर वो प्लेन एरिया में सिचुएटेड है तो ये लगभग 5,000 की पॉपुलेशन पे होता है। वही सब सेंटर अगर हिली या ट्राइबल एरिया में है तो ये 3,000 की पॉपुलेशन पे सिचुएटेड होता है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पीएससी, क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया, प्लेन एरिया में 30,000 और हिली या ट्राइबल एरिया में पीएससी है तो ये 20,000 पे सिचुएटेड होता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएससी, जो कि प्लेन एरिया में है तो 1,20,000 की पॉपुलेशन पे स्थित होता है, और हिली या ट्राइबल एरिया में है तो लगभग 80,000 की पॉपुलेशन पे स्थित होता है। ये चीजें याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन आ गया थर्ड, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए लेस कंसेंट्रेटेड सोल्यूट टू ए मोर कंसेंट्रेटेड सोल्यूट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड। यानी सोल्वेंट की वो मूवमेंट जो कि लेस कंसेंट्रेटेड सोल्यूट से
मोर कंसेंट्रेटेड सोल्यूट की तरफ होती है, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। क्या कहा जाएगा? ऑस्मोसिस कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन के बारे में देख लेते हैं। डिफ्यूजन इज ए फिजिकल प्रोसेस वेयर मोलिक्यूल्स, यहाँ पे मोलिक्यूल्स जा रहे हैं, मोलिक्यूल्स ऑफ मेटेरियल मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन वेयर देयर आर मेनी मोलिक्यूल्स हाई कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन वेयर देयर आर फ्योर मोलिक्यूल्स। ये होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यूजुअली हैपन्स इन सोल्यूशन इन ए गैस और इन ए लिक्विड। डिफ्यूजन कैन ओनली वर्क्स विद गैस और लिक्विड। ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर शुड बी अडोप्टेड विद इन। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, IPL वगैरह होती है, ये कितने घंटे के अंदर अंदर अडोप्ट करने, कितने घंटे के अंदर अंदर लेनी चाहिए? तो ये 72 आवर्स के अंदर अंदर लेनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सिक्स B6 पाइरिडोक्सिन इज गिवन विद आइसोनियाजिड बिकॉज इट इज, यानी जो विटामिन B6 है, अगर ये ट्यूबरक्लोसिस की जो ड्रग आइसोनियाजिड दी जाती है तो उसके साथ विटामिन B6 भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इट इन्हेंस ट्यूबरक्लोसिस इफेक्ट टू आइसोनाइज, बिल्कुल नहीं। इम्प्रूव द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द क्लाइंट, ये भी नहीं होता। प्रोवाइड द विटामिन वेन आइसोनाइज इज इंटरफेरिंग विद नेचुरल विटामिन सिंथेसिस, जब भी आइसोनाइज दी जाएगी तो जो नेचुरल विटामिन सिंथेसिस प्रोसेस है इसको इंटरफेरेंस किया जाएगा इस ड्रग के द्वारा। इस कारण से विटामिन B6 है, पाइरोडोक्सिन है, ये दी जाती है ताकि विटामिन की जो अवेलेबिलिटी है वो बॉडी में बनी रहे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन द नियोनेट्स हेड इज टर्न टू साइड, जब नियोनेट का हेड है वो साइड में टर्न किया जाता है, आई रिमेन शेष नहीं, आई है वो वैसे की वैसे बनी रह जाती है, दिस रिफ्लेक्स इसका, ये रिफ्लेक्स कौन सा होता है? प्यूपिल रिफ्लेक्स नहीं होगा, बेबिन्स की रिफ्लेक्स नहीं, डोल्स आई रिफ्लेक्स ये कहलाता है। यानी डोल्स आई की तरह जब हेड को टर्न किया जाएगा तो आई है वो उसी सिचुएशन में रह जाएगी, ये डोल्स आई रिफ्लेक्स होता है। अब बेबिन्स की मोरो रिफ्लेक्स ये क्या क्या होते हैं इनमें भी देख लेते हैं और कब डिसअपियर हो जाते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले डोल्स आई है उसके बारे में देख लेते हैं। डोल्स आई और इसको ओक्युलोसिफिलिक रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। जिस तरह से यहाँ पे हेड को इस तरह से इधर टर्न किया तो आईज है वो अपनी इसी सिचुएशन में बनी रहेगी, ये इस साइड में होगी, तो इस तरह से ऐसा डोल्स आई में होता है। पेसिव टर्निंग ऑफ हेड, द न्यू बॉर्न लीव्स द आई बिहाइंड, डिस्टिंक्ट ए डिस्टिंक्ट टाइम लेग ओकल बिफोर द आई मूव टू ए न्यू पोजिशन इन कीप विद हेड पोजिशन और डिसअपियर एट विद इन ए वीक और टू ऑफ बर्थ, यानी लगभग कुछ वीक्स के बाद में जन्म के ये डिसअपियर हो जाता है, या लगभग अगला जो बर्थ आता है यानी 1 साल तक ये है वो डिसअपियर हो जाता है। फेलियर ऑफ दिस रिफ्लेक्स टू अपियर इंडिकेट सेरेब्रल लेजन, अगर 1 साल के बाद में डोल्स आई रिफ्लेक्स बना हुआ है तो ये सेरेब्रल लेजर को इंडिकेट करता है, सेरेब्रल लेजन को इंडिकेट करता है, ये ध्यान रखना है। अब जो बेबिन्स की रिफ्लेक्स है वो क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं बेबिन्स की रिफ्लेक्स, डी प्रेशर अप्लाइड सिमुटेनियसली टू द पाम ऑफ बोथ हैंड वाइल द इन्फेंट इन सुपाइन पोजिशन, जब इन्फेंट सुपाइन पोजिशन में है तो उसकी जो पाम है उस पर प्रेशर है वो डी प्रेशर है वो डाला जाएगा। स्टिमुलस इज फॉलोड बाई फ्लेक्शन और फॉरवर्ड बोविंग ऑफ हेड, ओपनिंग ऑफ माउथ एंड क्लोजिंग द आइज। तो अगर ऐसा प्रेशर अपने उसकी पाम पे डालेंगे सिमटेसली तो क्या करेगा, जो हेड है उसको फ्लेक्स करेगा, हेड को आगे फॉरवर्ड करेगा, मोड़ेगा, आंखों को है वो आंखें क्लोज कर लेगा और माउथ को ओपन करेगा, ये बेबिन्स की रिफ्लेक्स होता है। फेड्स रेपिडली नॉर्मली कैन नॉट बी एलिसिटेड आफ्टर 4 मंथ, यानी 4 महीने तक ये रहता है और 4 महीने बाद में ये डिसअपियर हो जाता है। अगला आ जाता है मोरो रिफ्लेक्स, जिसको स्टार्टल रिफ्लेक्स भी कहा जाता है, ये डायग्राम देख के आप शायद समझ गए होंगे। बिगिंस एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, इनिशिएटेड बाय एनी सडन मूवमेंट ऑफ नेक, एलिसिटेड कैसे होगा, पुलिंग द बेबी हाफ वे टू सिटिंग पोजिशन फ्रॉम सुपाइन और सडनली लेफ्ट द हेड फॉल बैक, कंसिस्ट ऑफ रेपिड एबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्म विद ओपनिंग ऑफ हैंड्स, टेंसनिंग द बैक मसल्स, फ्लेक्शन ऑफ द लेग एंड क्राइंग, यानी जब बच्चे को ऊपर रखे अपने इस तरह से सुपाइन पोजीशन में और उसको गिराने की कोशिश करेंगे, अपने जल से हाथ नीचे ले जाएंगे तो क्या करेगा वो है वो
रैपिड एबडक्शन करेगा और जो आर्म्स है उनको खोल देगा, हाथों को खोल देगा, और उसको टेंशन फील्स लगेगी, और जो मसल्स है, बैक मसल्स है, उनकी टेंशनिंग कर लेगा, और जो लेग्स है उनका फ्लेक्स कर लेगा और रोने लग जाएगा। तो ये होता है मोरो या स्टार्टल रिफ्लेक्स। ये हो गया रिफ्लेक्स की बातें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेस्ट पोजिशन गिविन टू पेशेंट फॉर एडमिनिस्टर एन एनिमा। एनिमा एडमिनिस्टर करने के लिए बेस्ट पोजिशन है वो कौन सी होती है? रिकमेंड नहीं होगी, सेमी प्रो नहीं होगी, सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजिशन है ये, एनिमा देने के लिए बेस्ट पोजिशन होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। और डायग्राम में आप सिम्स लेफ्ट पोजिशन है वो देख भी रहे हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट नेटल डेज विल लोकिया बी रेड इन कलर, यानी पोस्ट कौन से पोस्ट नेटल डेज है डिलीवरी के बाद के जो दिन है उनमें लोग क्या वो रेड कलर का होता है। तो 1 से 3 दिन, 4 से 9 दिन, 10 से 12 या फिर 13 से 15 दिन। तो यहाँ पे जो 1 से 3 दिन यानी लगभग 4 दिन तक का जो टाइम होता है उसमें जो लोग है वो रेड कलर का होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अब लोग क्या और कौन 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 सा होता है, लोग क्या होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो लोकिया इज द वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग वेजाइनल बर्थ कंटेनिंग ब्लड म्यूकस एंड यूटेराइन टिश्यू। अगर वेजाइनल बर्थ हुआ है तो जो बर्थ के बाद में ब्लड म्यूकस यूटेराइन टिश्यूज का जो वेजाइनल डिस्चार्ज है इसको लोकिया कहते हैं। टाइप यहाँ पे दिए गए हैं, लोकिया रूबरा होता है जो कि डार्क रेड कलर का होता है, और ये लगभग 3-4 दिन तक यानी 1 से 4 दिन तक है वो देखने को मिलता है। 1 से 3 दिन ऊपर जो ऑप्शन था उसमें राइट हो जाता है। दूसरा लोकिया सिरोसा होता है, जो लोकिया रेड बाद में आता है, लोकिया रूबरा के बाद में आता है, और ये पिंकिश ब्राउन होता है और 4 से 10 दिन तक देखने को मिलता है। उसके बाद में लोकिया एल्बा होता है और ये लगभग वाइटिश येलो कलर का होता है, वाइटिश येलो, और लगभग ये 10 दिन या इसके बाद में देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, बोर कमेटी इज ऑल्सो नोन एज, बोर कमेटी है वो किस नाम से भी जानी जाती है? तो बोर कमेटी जानी जाती है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से। बोर कमेटी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड, जो डिजीज है उनके डिटरमिनेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी को क्या कहा जाता है? इपिडीमियोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ मोरफिन, मोरफिन का एंटीडोट क्या होता है? आईवी नेलेक्जोन मोरफिन का एंटीडोट होता है, और एम्स में ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द मास्क ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, प्रेगनेंसी का मास्क, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी है वो किसको कहा जाता है? लिनियर निग्रा को नहीं कहा जाएगा, स्ट्राई ग्रेविटर नहीं, स्ट्राई एल्बिकेंस को नहीं, क्लोजमा ग्रेविडरम को है वो मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। तो क्लोजमा ग्रेविडरम क्या होता है, लिनियर निग्रा क्या होता है, और स्ट्राई ग्रेविडरम क्या होता है, ये भी चीज़ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है क्लोजमा ग्रेविडरम, जिसको मेलेजमा या क्लोजमा भी कहा जाता है, ए कंडीशन इन विच ब्राउन पेचेज अपियर ऑन द फेस। प्रेगनेंसी में ब्राउन पेचेज फेस पे अपियर होते हैं, इसको क्लोजमा ग्रेविडरम, मेलेजमा या फिर क्लोजमा, ये चीज़ें कहा जाता है, और ये मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहलाता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउन पेचेज फेस पे, यही मास्क ऑफ प्रेगनेंसी होता है। दूसरा होता है लीनिया निग्रा, जिसको प्रेगनेंसी लाइन भी कहा जाता है, अम्ब्लाइकस से लेकर पेल्विस तक एक डार्क कलर की है वो लाइन बन जाती है, इसी को लीनिया निग्रा प्रेगनेंसी लाइन कहा जाता है। और उसके बाद में आता है स्ट्राइक ग्रेविडरम, जिसको स्ट्रेच मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में जो आप दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रेच मार्क्स ये है वो आपके होते हैं स्ट्राइक ग्रेविडरम, स्ट्रेच मार्क। मैजिकल थिंकिंग इज चीफली सीन इन, जो मैजिकल थिंकिंग है चीफली किस में देखी जाती है? तो मैजिकल थिंकिंग है ये प्री स्कूलर्स में चीफली देखी जाती है, मुख्यतः देखी जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू फाइंड इम्यून स्टेटस अगेंस्ट डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के अगेंस्ट इम्यून स्टेटस देखने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिक टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। डिक टेस्ट, वेल फेलिंग्स टेस्ट किस लिए किया जाता है ये भी देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है डिक टेस्ट, जो कि स्कारलेट फीवर के लिए किया जाता है। वेल फेलिंग्स टेस्ट है ये रिकेट्सियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ईटिंग नॉन फूड सब्सटेंस सच एज डर्ट एंड क्ले इज कॉल्ड, नॉन फूड सब्सटेंस जो खाने योग्य चीजें नहीं है जैसे मिट्टी है या डर्ट है, इनको अगर कोई बच्चा खाता है तो इसको क्या कहेंगे? इसको पिक्का कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए क्लाइंट मेक्स अप
स्टोरी इज टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस ऑफ मेमोरी, इट इज नोन एज, जब कोई क्लाइंट्स पेशेंट्स मेमोरी के जो ब्लैंक स्पेस है उनको भरने के लिए स्टोरीज बना लेता है अपनी, तो इसको क्या कहा जाएगा, कॉन्फाबुलेटिंग इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है 17। ए प्रिस्क्रिप्शन रीड्स टाइलेनोल 650 mg यूजुअली एवरी 4 आवर्स फॉर पेन। प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें टाइलेनोल 650 mg हर 4 घंटे से देनी है पेन के लिए। द मेडिकेशन लेवल रीड्स 500 mg 15 ml, और मेडिकेशन में अपने किस फॉर्म में अवेलेबल है, 15 ml में 500 mg अवेलेबल है। हाउ मच शुड द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर डोज, तो आपको 650 mg देना है तो आप कितने ml इसको दोगे। तो गाइज यहाँ पे आंसर निकालने से पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेना है। ये फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज किया जाता है, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है टेबलेट कैप्सूल ओरल लिक्विड मेडिकेशन कैलकुलेशन के लिए। बेसिक फॉर्मूला होता है, इसमें डी होता है ऊपर, जो कि डिजायर डोज या प्रिस्क्राइब डोज होती है जितनी अपने को देनी है। नीचे आता है एच यानी है और ऑन हैंड अपने पास कितने एमजी की अवेलेबल है, और क्वांटिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाती है कि ये जो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, और अननोन अपने को निकालनी होती है एक्स। तो इस फार्मूला से अपने यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में डिजायर जो अपनी डी है, और नीचे आ जाता है इन हैंड और अपने कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे है। तो इस फॉर्मूला के अपने जब निकालते हैं तो डिजायर अपने पास है 625 mg अपने को देनी है, प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल कितनी है 500 mg अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है तो ये है 15 में। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 19.5 ml, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस कॉल्ड, क्लोज्ड स्पेस का जो फियर है ये क्या कहा जाता है। तो क्लस्ट्रोफोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस बंद जगह का डर। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। एक्रोफोबिया क्या होता है, एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, हाइट का अगर डर लगता है तो वो एक्रोफोबिया होता है। और एगोरोफोबिया होता है फियर ऑफ ओपन सिचुएशंस, ओपन स्पेस है उनका फियर ऑफ ओपन स्पेस है, वो एगोरोफोबिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 19। द नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर बकल मेडिकेशन, वेयर शुड द मेडिसिन बी प्लेस्ड। नर्स है वो बकल मेडिकेशन के लिए प्रिपरेशन कर रही है, तो नर्स जानती है कि मेडिसिन कहाँ पे रखी जाएगी, ऑन द क्लाइंट्स स्किन, ऑन द क्लाइंट्स कंजक्टिवा, अंडर द क्लाइंट्स टंग, बिटवीन द क्लाइंट्स चीक्स एंड गम। बक्कल मेडिकेशन देना है तो क्लाइंट के जो चीक और गम है उनके बीच में मेडिकेशन है वो रखी जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अंडर द टंग क्या होता है, अंडर द टंग सब लिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, जीभ के नीचे रखा जाएगा उसको सब लिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर इज, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है इसको कहते हैं पल्स प्रेशर, और लगभग 30 से 50 mg ऑफ एच जी, 30 to 50 mm ऑफ एच जी है ये नॉर्मल होता है पल्स प्रेशर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ए क्लाइंट हैज बिलीव दैट हिज ब्रदर वांट्स टू किल हिम, एक क्लाइंट है वो ये सोचता है कि उसका भाई है वो उसको मारना चाहता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का एग्जाम्पल होता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का एग्जाम्पल है, जिसमें व्यक्ति को ये लगता है, पेशेंट को ये लगता है कि कोई उसका क्लोज रिलेटिव है वो उसको खत्म करना चाहता है, मारना चाहता है। डिल्यूजन क्या होता है और कितने टाइप का होता है ये भी देख लेते हैं। तो डिल्यूजन ए फॉल्स पर्सनल बिलीफ, डिल्यूजन एक फॉल्स पर्सनल बिलीफ होता है। टाइप देख लेते हैं, तो टाइप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, सबसे पहले होता है इरोटोमेनिक, इरोटोमेनिक टाइप होता है। इसमें क्या होता है, डिल्यूजन दैट अनदर पर्सन यूजुअली ऑफ हायर स्टेटस इज इन लव विद द इंडिविजुअल, इरोटोमेनिक टाइप होता है। इसमें व्यक्ति ये सोचता है कि जो मेरे जो संबंध है वो किसी बड़े व्यक्ति से है, और जो बड़ा व्यक्ति है वो मेरे प्यार में जुड़ा हुआ है, वो इरोटोमेनिक टाइप का
होता है। और अगला जो है वो है ग्रैंडियोसम टाइप। ग्रैंडियोसम टाइप डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लेटेड वर्थ पावर नॉलेज आइडेंटिटी स्पेशल रिलेशन टू ए डेनी और फेमस पर्सन। यानी इसमें ये होता है व्यक्ति अपने आप को बहुत धनवान पावरफुल नॉलेज वाला और एक ये मानता है कि मैं फेमस हूँ इस तरह की चीज़ें सोचता है, तो वो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसम टाइप कहलाता है। जेलस टाइप होता है उसमें क्या है डिल्यूजन दैट इंडिविजुअल सेक्सुअल पार्टनर इज अनफेथफुल। इसमें जो सेक्सुअल पार्टनर है उसके साथ वो अनफेथफुल उस पर विश्वास नहीं करता है, उसके साथ जेलस फील करता है। परसेक्यूटरी टाइप जो क्वेश्चन में भी पूछा गया था डिल्यूजन दैट वन पर्सन और समवन हुज पर्सन इज क्लोज बींग मालवेजली ट्रीटेड इन सम वे। यानी जो क्लोज पर्सन है रिलेशनशिप में है वो उनको मारना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस टाइप का जो डिलीजन है वो परसिक्यूटरी टाइप का होता है। सोमेटिक होता है डिलीजन देट द पर्सन हैज सम फिजिकल डिफेक्ट और जनरल मेडिसिन कंडीशन। सोमेटिक में क्या होता है वो सोचता है कि मेरे में कुछ फिजिकल डिफेक्ट है या कोई न कोई मेडिकल कंडीशन, कोई न कोई इलनेस उसको है। अगला जो है वो है नीलिस्टिक। नीलिस्टिक में क्या होता है डिलीजन देट वर्ल्ड इज एंडिंग और वन इज डाइंग। उनको लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है या वो व्यक्ति मरने वाला है। ये होता है रिलीजियस टाइप में क्या होता है रिलीजियस हैविंग स्पेशल रिलीजन पावर। उसको सोचता है व्यक्ति कि मुझ में स्पेशल पावर है, मैं भगवान हूँ, इस टाइप का रिलीजियस टाइप का डिलीजन होता है। सेक्सुअल टाइप डिलीजन देट ऑफ डिलीजन देट अदर्स नो अबाउट वन सेक्सुअल एक्टिविटी एंड देट इट देट द एक्टिविटी कोज इलनेस। यानी दूसरे की सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में जानना चाहता है, ज़्यादा ही सेक्स के बारे में सोचता है और इसकी वजह से वो बीमार हो जाता है, ये सेक्सुअल टाइप होता है। मिक्स टाइप ये जो ऊपर डिलीजन बताएं दो या दो से टाइप का डिलीजन पाया तो वो मिक्स टाइप होता है, और अनस्पेसिफाइड टाइप जो इनमें क्लासिफिकेशन नहीं हो वो अनस्पेसिफाइड टाइप होता है। अगला क्वेश्चन आया 22 व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डिमेंशिया इन जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन में डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है अल्जाइमर डिजीज होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMNCI। IMNCI की फुल फॉर्म क्या होती है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस है ये IMNCI की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट गिविंग ब्रेस्ट मिल्क सम वाटर टू बेबी नो गिविंग ब्रेस्ट मिल्क एंड टोन मिल्क टू बेबी नो गिविंग ब्रेस्ट मिल्क एंड कम्प्लीमेंट्री लिक्विड टू बेबी नो गिविंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क टू बेबी। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में ओनली ब्रेस्ट मिल्क है वो दिया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वीट कैलोरी टेस्ट इज डन इन केस ऑफ स्वीट कैलोरी टेस्ट है ये किस केस में किया जाता है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में किया जाता है स्वीट कैलोरी टेस्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन बाय विच एज द बर्थ वेट इज डबल। किस एज तक जो जन्म का वेट है जन्म पे बच्चे का जितना वेट है वो डबल हो जाता है तो 6 मंथ पे है वो जन्म पे जितना वेट होता है उसका डबल हो जाता है और 1 साल पे है वो ट्रिपल हो जाता है। और एम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाको। नाको की फुल फॉर्म क्या होती है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ये नाको की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कब हुआ था इस्टैब्लिश 1992 में नाको है वो इस्टैब्लिश हुआ था। व्हाट डज BFHI स्टैंड फॉर। BFHI की फुल फॉर्म क्या है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है ये BFHI की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। तो गाइस 28 ही क्वेश्चंस लेते हैं। नर्सिंग के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें वीडियो और फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने पेज को फॉलो जरूर जरूर कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन दबाएं ऑल का जो नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि नर्सिंग ट्रेंड के आपके वीडियो को भी मिस नहीं करोगे। जल्दी हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक स्वस्थ रहे मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।